राजौरी हमले से जुड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, हमले में 4 जवान शहीद हुए हैं। शहीदों में कानपुर के भाऊपुर के रहने वाला करण सिंह भी शामिल हैं। शहीद के गांव में मातम पसरा हुआ है, अधिकारियों ने परिवार को ढांढस बंधाया है। तो राजौरी में आतंकियों ने फायरिंग की जिसके वजह से 4 जवान शहीद हो गए हैं। आपको बताएं, इस 4 जवान में एक जवान कानपुर का रहने वाला था। शहीदों में कानपुर के भाऊपुर के करण सिंह भी शामिल थे। शहीद के गांव में मातम पसरा है, परिवार को ढांढस बंधाया गया है। तो भाऊपुर गांव के रहने वाले करण शहीद हो गए हैं। शहीद के गांव में मातम पसरा हुआ है, परिवार वालों को ढांढस बंधाया गया है। मौके पर अधिकारी पहुंचे। कानपुर के रहने वाले थे करण, जो जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, शहीद हो गए हैं। और शहीद के परिवार में इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है सबका। राजौरी में आतंकियों ने हमला किया, 4 जवान इसमें शहीद हो गए हैं और उसमें से एक जवान कानपुर का रहने वाले थे, भाऊपुर के। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी से जहां पर सुरक्षा बलों ने अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है, सर्च ऑपरेशन। इस दौरान आतंकियों की घेराबंदी के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। कल सेना के काफिले पर हमले के बाद अंधेरे की वजह से सुरक्षा बलों को थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन अब सुबह से ही आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जिस इलाके में कल सेना के 4 जवान शहीद हुए थे, वहां काफी बड़ा और घना जंगल है। हेलीकॉप्टर की मदद से सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और उन आतंकियों को पकड़ने की पूरी कोशिशें जारी है। और इस हमले में कानपुर के एक जवान भी शहीद हो गए हैं। शहीदों में कानपुर के भाऊपुर के करण सिंह भी शामिल हैं। शहीद के गांव में मातम पसरा है, अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिवार वालों को ढांढस बंधाया है, क्योंकि अचानक ये खबर मिली करण शहीद हो गए हैं। कल ये हमला हुआ था, आतंकियों ने ये हमला किया जिसमें 4 जवान शहीद हो गए, उनमें से एक जवान कानपुर के भाऊपुर के रहने वाले थे, करण सिंह, जो शहीद हो गए हैं। और प्रभात अवस्थी फोन लाइन पर जुट चुके हैं जी मीडिया संवाददाता। प्रभात, करण सिंह शहीद हो गए हैं, जाहिर सी बात है कि गांव में इस वक्त मातम पसरा होगा, क्या कह रहे हैं घर वाले? जी बिल्कुल, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में कानपुर के जो लाल हैं उनकी शहादत हुई है, जिसके बाद जैसे ही ग्रामीणों को सूचना मिलती है उसके बाद पूरे गांव में मातम पसर जाता है, क्योंकि गांव का लाल जो था वो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। वहीं अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो आसपास के जो लोग हैं वो भी गांव पहुंच रहे हैं और जो पीड़ित परिवार है, जो गमगीन परिवार है, उसको ढांढस बंधाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं अगर करण की बात की जाए तो 2013 में करण ने सेना में भर्ती हुआ था, जिसके बाद से वो लगातार नौकरी कर रहा था। उसकी दो बहनें भी हैं और बताया जा रहा है, जो ग्रामीणों से बात हुई है, कि जिस गाड़ी पर हमला हुआ है उस गाड़ी को करण ही चला रहा था। फिलहाल जब 100 पहुंचेगा तो उसके बाद जो परिजन है वो उसके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। फिलहाल जो गांव की स्थिति है उसकी अगर बात की जाए तो पूरा गम का माहौल है। सभी लोग गांव में, जो ग्रामीण है, आसपास के जो ग्रामीण है, वो पहुंच चुके हैं और सभी लोग परिवार को ढांढस बंधवा रहे हैं। जी प्रभात, कुछ जानकारी है, पार्थिव शरीर कब तक पहुंचेगा? जो अधिकारी हैं उनसे जब बात की गई है तो देर शाम तक पार्थिव शरीर जो है वो पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर जो जिला प्रशासन है वो भी तैयारियों में जुट गया है, क्योंकि शहीद का जो शव है, जब कानपुर के अपने गांव पहुंचे तो किसी तरह से किसी भी सम्मान में कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि देश की सेवा करते हुए शहीद शहादत को प्राप्त हुआ है, तो इसके चलते प्रशासन भी जो है वो तैयारी में जुट गया है। जी शुक्रिया प्रभात, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रशासन ने भी तैयारी की है श्रद्धांजलि देने के लिए। शाम तक पहुंचेगा पैतृक गांव में उनका पार्थिव शरीर। फिलहाल दो तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अब सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है, हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जिससे जल्द ही इन आतंकियों को पकड़ा जा सके। सेना के जवान लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं, घने जंगल में छिपे हो सकते हैं ये आतंकी, इनकी तलाश अब तेज कर दी गई है।